हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी आप स्क्रीन पे मेरा एक्सेल शीट देख रहे हैं। इसको हमें हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस के लिए। तो आप सोच रहे हो कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी देता हूँ? जी हाँ, ये प्रॉब्लम हम इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं, लेकिन उन लोगों को जो मेरा मोबाइल ऐप यूज करते हैं और क्वेश्चंस मोबाइल ऐप से पूछते हैं। तो मोबाइल ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग। सामने दिख रहा है एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग। आप एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग डाउनलोड कर लेंगे तो क्या हुआ कि मेरे ऐप के अंदर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे ऐप के अंदर में चैट की फैसिलिटी है, आप चैट कर सकते ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ और हमारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे लाइव सपोर्ट ले सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम क्या समझते हैं। सबसे पहले यहाँ ईएसआई कैलकुलेट करना है टोटल अर्न पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ग्रॉस सैलरी अबव RS 21K देन नो ईएसआई एंड अबव 21K शुड बी 0.7%। सॉरी, बिलो है, माफ कीजिएगा, गलत पड़ गया। इफ ग्रॉस सैलरी, जो यहाँ पर हमारा ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी अगर 21K से ऊपर है देन ईएसआई नहीं होगा, लेकिन 21K के बिलो है तो 0.75% होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ फॉर्मूला। जी हाँ, इफ फॉर्मूला इक्वल इफ, और हम सिलेक्ट करेंगे अपना ग्रॉस सैलरी और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 21,000, 21,000, हाँ 21,000, देन इसका मल्टीप्लाई बाय 0.75% सिंबल जरूर दीजिएगा, अदरवाइज जीरो। सिंपल सा हमने इस फॉर्म में लगाया और नीचे की तरफ हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे ये सही आ गया। मैं जूम करके फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। हमने फॉर्मूला लगाया कि इफ I3 जो कि हमारा ग्रॉस सैलरी है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 21,000 है तो I3 का मल्टीप्लाई बाय 0.2%। अब इसमें दूसरा है, यहाँ पे देखिए दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। इफ मेल ग्रॉस सैलरी इज बिटवीन 7,500 to 10,000 देन टैक्स शुड बी डिडक्ट 175। फीमेल सैलरी, फीमेल ग्रॉस सैलरी इज अप टू 10,000 देन नो टैक्स। नहीं, अप टू है सर, मतलब कि इसमें मेल जो है अगर सैलरी जो है 7,500 से लेकर 10,000 तक है तो फ्लैट टैक्स 175 आएगा, और फीमेल की सैलरी अगर 10,000 तक है तो नो टैक्स। उसके बाद आता है बोथ ऑफ, अगर दोनों मेल फीमेल दोनों अगर 10,000 से अबव है तो 200 रुपये, एंड बोथ अबव सैलरी फैट एवरी फैट टू बी 300। एंड इस बाद में है, इसके बाद में बात करते हैं, हम तीन करते हैं, यहाँ पे तीन पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देना है कि मेल अगर 7,700 से 10,000 है तो यहाँ पे 175 टैक्स लगेगा। तो यहाँ हम बिटवीन है हमारा है, तो यहाँ पे हम लेंगे एंड का फॉर्मूला। एंड एंड में हमने सबसे बोला कि ए इक्वल टू मेल होना चाहिए पहला। ऊपर देख सकते हो फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है। उसके बाद दूसरा हमने सिलेक्ट किया कि ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7,500, और वापस हमने इसी को सेलेक्ट किया और बोला कि लेस देन इक्वल टू 10,000। तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए 150 रुपीज।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि फीमेल है तो है, इसमें बात छोड़ देंगे। और यहाँ पे अब दोनों का अगर 10,000 से ऊपर है तो दोष आएगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, हम यहां कर रहे हैं कि इफ ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, इसमें भी एंड लगाए हैं क्योंकि फैब नहीं होना चाहिए मैम, यहां भी एंड लगेगा। एंड हम यहां मंथ हम लेते हैं, बट ये मंथ नहीं ईयर है, इसमें से हम मंथ को अलग करेंगे। मंथ हमने इसको सिलेक्ट किया इसको और बोला कि ए नॉट इक्वल टू टू एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। ऐसा हुआ तो 200 का लगेगा, नॉट इक्वल टू मंथ। एक मिनट, हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, हमें ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए। अब यहाँ पे इफ करते हैं, इफ में हम यहाँ लेते हैं कि बोथ अबव एवरी फेयर टैक्स इज 300। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा इसमें जो देना है हमें वो देना है रिजल्ट 300, मतलब कि फरवरी मंथ में होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल इसमें कुछ और करना नहीं है। हाँ, इसमें इफ अगर ये जो है ग्रेटर देन 10,000 है तो 300, अदरवाइज 0। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और रिजल्ट आपके सामने। मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए 0 है, क्योंकि इसमें जो है फीमेल है, फरवरी का है, फीमेल है, लेकिन इसकी सैलरी 10,000 से ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 36वां क्वेश्चन है। अब क्या ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा तो लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट ए कंसल्टेंट, मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक टीचर। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को समझाया कैसे सॉल्व करना है। अब तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वो छठा क्वेश्चन इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आई हैव सपोर्ट ऑन द टेलीफोन। आप लोगों को भी अगर इस तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे साथ कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, हमारी वीडियो क्लासेस परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।